हाँ तो दोस्तों, JM फाइनेंशियल के Q2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको JM फाइनेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर थे वो यहाँ पे 2% गिर कर 969 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर इस क्वार्टर में आए हैं। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा, यानी कि 16% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है और 228 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। लेकिन देखिए, क्वार्टरली बेसिस के परफॉर्मेंस थोड़े डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नंबर यहाँ पे आया है 20%। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे 24% से बढ़कर 228 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी आई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो नंबर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी नहीं है। एक नॉर्मल फ्लैट रिजल्ट हमें यहाँ पे JM फाइनेंशियल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, 12 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 73.4 की बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ये स्टॉक महंगा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो भी इतने अच्छे नहीं है। अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल से 3000 से 4000 करोड़ के बीच में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले 3 साल से या फिर 4 साल से अगर हम देखें तो 500 से लेकर 600 करोड़ के बीच में ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रह रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे JM फाइनेंशियल में हमें नजर आता है। तो देखिए, ऑल टू इसका जो ऑल टाइम हाई है उससे 50% से भी ज़्यादा ये करेक्शन पर ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है, 90 रुपीज़ पे मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जो लगातार फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे JM फाइनेंशियल को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अल्फा यहाँ पे क्रिएट होगा, कुछ अच्छी मतलब 20+ CAGR से इनके रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे, तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, एक टिपिकल अगर देखा जाए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक मुझे लगता है, अगर आपको 10 से 12% के CAGR के रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ अल्फा रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, और मैं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी ये स्टॉक नहीं है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि JM फाइनेंशियल के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।